मिलोट, एसीपी करण सिंह ने मुझसे झूठे बयानों पर दस्तखत कराने की जबरदस्ती कोशिश की और जब मैंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो इसने मार मार कर मेरी हालत कर दी मिलोट। He's framing me in a fake case. मिलोट, I don't know, मिलोट, मेरे मुवक्किल की हालत और बयान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल पर पुलिस कस्टडी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार हैं एसीपी करण सिंह। एसीपी करण सिंह, क्या यह सच है कि आपने मुलजिम सिकंदर को बेरहमी से मारा? नो योर ऑनर, यह बात सच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पर हाथ उठाता तो यह साल में नहीं होता, क्योंकि मैं मारता तो ये मर जाता। यू वॉन्ट टू किल मी योर ऑनर, ही वॉन्ट्स टू किल मी, सी ही वॉन्ट्स टू किल मी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, किल मी, आई सेड किल मी, ही वॉन्ट्स टू किल मी, कम ऑन, किल मी, आई सेड किल मी, किल मी, आई वॉन्ट टू डाई, किल मी, किल मी, मैन, हॉल्ट, हॉल्ट, ऑर्डर, ऑर्डर, आई वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट टू डाई, ओह माय गॉड। मिलोट, पुलिस कस्टडी में मुझे मेरे मुवक्किल की जान खतरे में नजर आती है, इसे डॉक्टरी जांच की जरूरत है और हो सकता है कि इसको अंदरूनी चोटें भी आई हों, इसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं मिलोट कि मेरे मुवक्किल को अस्पताल ले जाने की इजाजत दी जाए, ना कि इनकी पुलिस कस्टडी में। परमिशन ग्रांटेड।
करण, मैं कहता हूं अपने आप पर काबू रखो। कंट्रोल सर। मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीपी करण सिंह को मांगा था वो पूरा हुआ। गावा फिरोजी को पकड़कर करण सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है उससे खुश होकर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का डीसीपी बना दिया है। पुलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है। डीसीपी करण सिंह स्टेज पर आकर नामांकन पत्र हासिल करें। हमारे देश को ऐसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत है। वेल डन करण सिंह, वेल डन। दामाद की तरह के मुबारक हो अर्जुन सिंह जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि डीसीपी करण सिंह दो शब्द हमारे अफसरों को कहें, प्लीज। एक ऑफिसर का काम बोलना चाहिए, जुबान नहीं। जय हिंद। जय हिंद। इसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई, मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। मासूम को? What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था। अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम, मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धर से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पुरानी नहीं होगा सर। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे साले को मिले। अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फॉरेन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर। We'll be right back.
क्या है? गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। चलो आ जाओ। एक मिनट सर। गावा फिरोजी, सर चेहरा और जिस्म बुरी तरह से जल चुका है। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, इसको पोस्टमार्टम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भेजो। ओके सर, ले जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रग्स की गंदगी भी खत्म हो गई। सर हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टीज सीज कर ली हैं, पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी करण, जब रावण ही मर गया तो उसकी लंका कब तक बचेगी? पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगा। आप सोच क्या रहे हैं गावा साहब? उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां। उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकाम नहीं। उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हराम खोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। क्यों रे, बहुत जल्दी छोड़ गया तू मुझे। देख, देख कैसे तड़प रहा तेरा भाई अकेला तेरे बिना। ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगा वो, तब जाके खैरात में मौत दूंगा मैं उसे। उसके बाद ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा मैं तुझे। अकेला आदमी अपने काबिलियत के बूते पर क्या कर सकता है, ये डीसीपी करण सिंह ने करके बताया। इन्होंने मुंबई शहर से सारे जुर्म और आतंकवाद का सफाया किया है। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे डीसीपी करण सिंह को आउटस्टैंडिंग सिटीजन अवार्ड से सम्मानित करें। थैंक यू।